Bismillahirrahmanirrahim. Khawatin wa hazrat, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Knowledge by Tariq Mahmood. Today we will discuss a neuropsychology topic, that will be glial cells. Glial cells pronunciation change ho sakti hai kyunki English log jo hai wo kuch aur tarah bolte hain, lekin hum chuke Pakistani language hai hamari. Pakistan mein jis tarah hum bolte hain to main usi tarah hi pronounce karunga. Glial cells ko hum neuroglia ya non neuronal cells bhi kehte hain. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस तरह न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, इसी तरह ग्लाइल सेल्स जो हैं ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं. उसके अलावा ग्लाइल सेल जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस नहीं करते. अगर आपने न्यूरॉन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जब हम न्यूरॉन को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सेल बॉडी होती है वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होती है जो कि टर्मिनल बटन्स तक जाती है. लेकिन जब हम ग्लाइल सेल्स की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो नहीं होती. तो स्लाइड्स में मैंने देखा आपको पढ़ाया है कि जो ग्लाइल सेल्स हैं इनको न्यूरोग्लिया नॉन न्यूरोनल सेल्स कहते हैं. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और ये इनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं चलती. अगली स्लाइड पर चलते हैं. Glial cells, glia means glue. This is not like a neuron. यानी glia का मतलब है glue. Glue का मतलब होता है कोई चीज जोड़ने वाली चीज. तो जब हम glial cells की बात करते हैं तो ये neurons को आपस में जोड़ते भी हैं, उनको support देते हैं, उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देते. It maintains, ये neuron की तरह बिल्कुल भी नहीं होते. यानी neuron की जैसे structure होती है जो उसका function वगैरह होता है, इनका ऐसा कोई structure या function नहीं होता. ये होम्योस्टेटिस को बरकरार रखते हैं. होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि जो बैलेंस, बेसिकली होम्योस्टेटिस हम कहते हैं बैलेंस को. अब वो बैलेंस किस किस चीज का होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है जी. उसके अलावा ग्लाइल सेल्स प्रोड्यूस माइलन शीथ. अब माइलन शीथ, जैसा कि आपने देखा होगा कि न्यूरॉन में जो एक्सोन के ऊपर माइलन शीथ के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो जो ग्लाइल सेल्स होते हैं बेसिकली ये वो जो न्यूरॉन के ऊपर माइलन शीथ एक्सोन, न्यूरॉन के अंदर जो एक्सोन होता है उसके ऊपर जो माइलन शीथ होती है ये उस माइलन शीथ को भी बनाते हैं. इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन. ये न्यूरॉन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. सपोर्ट मीन्स कि ये इसको हिलने नहीं देता और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. ये डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट जो डैमेजेस हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है. इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि ये जस्ट लाइक अ ग्लू और ये इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूरॉन की तरह नहीं होता है. उसके अलावा ये जो होम्योस्टेटिस है उसको मेंटेन करता है, यानी बॉडी में किन चीजों को, जो जो चीजें होती हैं उनको, उनकी मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करने में, यानी मुनासिब मकदार में उनको रखने में ये अपना रोल प्ले करता है. ये माइलन शीथ बनाता है. जो मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट सेगमेंट्स से बने हुए होते हैं माइलन शीथ के, ये जो ग्लाइल सेल होते हैं ये वो माइलन शीथ प्रोड्यूस करते हैं. उसके अलावा माइलन शीथ जो है, जो ग्लाइल सेल है, ये न्यूरॉन को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, उसको अपनी जगह पे बांध के रखते हैं, ये जोड़ के रखते हैं. बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक अ ग्लू. ग्लू आपको पता है, आप जानते हैं कि ग्लू जो होता है वो जोड़ने के लिए काम आता है. उसके अलावा ये जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट भी करते हैं. आगे आ जाते हैं जी, फंक्शंस ऑफ ग्लाइल सेल्स. टू सराउंड्स न्यूरॉन एंड होल्ड देम इन अ प्लेस. अब देखें, ये वही बात आ गई कि ये सराउंड न्यूरॉन का मतलब होता है ये न्यूरॉन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं और उसको हिलने नहीं देते. एंड होल्ड देम इन अ प्लेस, और उसको अपनी जगह छोड़ने नहीं देते. टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू न्यूरॉन. अब ये न्यूरॉन के बेसिकली सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है. न्यूरॉन की सर्वाइवल जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है. ये उसको खुराक भी प्रोवाइड करते हैं और उसको, उनको जिंदा रहने के लिए और अपने जो प्रॉपर वर्किंग जो फंक्शनिंग है उसको करने के लिए ये ऑक्सीजन भी न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हैं. टू इंसुलेट वन न्यूरॉन टू अनदर, ये न्यूरॉन को, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से इंसुलेट भी करते हैं. टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस. पैथोजेंस, अब ये पैथोजेंस को भी जो है वो किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. पैथोजेंस का मतलब होता है ये जो न्यूरॉन के अंदर पैथोजेंस होते हैं. अब न्यूरॉन पैथोजेंस वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं
डिफरेंट डिजीजेस प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करते हैं या डिफरेंट डिजीजेस की प्रोडक्शन में या प्रोड्यूस करने में कॉज बनते हैं, तो ये उन पैथोजेंस को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करता है. रिमूव डेड न्यूरॉन्स फ्रॉम CNS एंड PNS. अब इसका एक और फंक्शन जो है, पहले तो ये उसके सर्वाइवल के लिए काम करता है, उसको खुराक प्रोवाइड करता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. अब अगर न्यूरॉन कोई डेड हो जाता है तो उसको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिमूव भी करता है, यानी जो उसको गार्बेज होता है वो जो इसके बाकियात रह जाती है न्यूरॉन की, डेड न्यूरॉन्स जो होते हैं ये उनको CNS और PNS से रिमूव कर देता है, ताकि जो CNS और PNS की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट ना हो और वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देते रहे. तो आज हमने डिस्कस किया है कि ग्लाइल सेल्स क्या होते हैं. मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इनको न्यूरो ग्लिया भी कहते हैं या न्यूरोग्लिया कहते हैं. उसके अलावा ग्लाइल सेल्स का जो फंक्शन है वो न्यूरॉन को ये CNS और PNS में पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी प्रोड्यूस नहीं करते. उसके अलावा ये माइलन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं और न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. होम्योस्टेसिस जो है वो उसके जो यानी जो बैलेंस है बॉडी का, डिफरेंट फ्लूइड्स का, डिफरेंट साल्ट्स का, डिफरेंट चीज़ों का जो बैलेंस है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको मेंटेन करने में भी ग्लाइल सेल जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. उसके अलावा उसके जो हमने फंक्शन देखे हैं कि ये न्यूरॉन को सराउंड्स किया हुआ होता है, उन्होंने घेरा हुआ होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह हिलने नहीं देते. उसके अलावा ये खुराक और ऑक्सीजन की को भी प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से इंसुलेट करते हैं, पैथोजेंस को ये डिस्ट्रॉय करते हैं और डेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको CNS और PNS से ये रिमूव करते हैं. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. थैंक यू वेरी मच. बी इमानिल्लाह. अल्लाह हाफिज़.